ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। पाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बजा रहा है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कल हम लोग श्री राम कथा की जो चर्चा चल रही थी वो प्रसंग, इस प्रसंग पे चर्चा चल रही थी, किसको याद है? जनकपुर वाटिका में जाने वाले जनकपुर की शोभा को देखने के लिए विश्वामित्र जी ने अनुमति दिया। अब भगवान श्री रामचंद्र अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण जी को साथ में लेकर जनकपुरी की शोभा का दर्शन करने के लिए निकलने वाले हैं। उस परिस्थिति में भगवान का जो रूप है उस रूप का वर्णन चल रहा था। रुचिर चौतनी सुभग सिरा से चक कुंचित केश नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर टोपी है, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसे ही है। देखन नगरु भूप सुतयाए समाचार पुरवासी न पाए दाए धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई
हो ही सुखी लोचन फल पाई ज्योति भवन झरखन नीलागे निरखहिं राम रूप अनुरागे कहहिं परस पर बचन सप्रीति सखी न कोटि काम छवि जीती सुर नरय सुर नाग मुनि माही शोभायसी कहूँ सुनियति नाही विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी विकट बेश मुख पंच पुरारी अपर देउ असको नाही यह छवि सखी पटित रिय जाही वय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग पर बारी यही कोटि कोटि सतकाम। जब पूर्वासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, खबर पहुंच गया, तब सारे लोग अपना घर बार और सारा काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। मैं पूछ रहा था मोबाइल में क्या देख रहे, स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। नेत्र का उत्सव हो गया। ज्योति स्त्रियां घर के झरोखों से लगे हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं और आपस में बात कर रही हैं। क्या कह रही हैं? कहहिं परस पर बचन सप्रीति सखी इन्ह कोटि काम छवि जीती। बड़े ही प्रेम से करेंगे सप्रेम सप्रीति, बड़े ही प्रीति प्रेम पूर्वक वचन कह रही है। हे सखी, इनको देखकर ऐसा लग रहा है मानो करोड़ों काम देऊं कि सौंदर्य को इन्होंने जीत कर अपने में लगा लिया है। सुर नरय सुर नाग मुनि माही सुर, सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य, असुर मतलब राक्षस, नाग ये जितनी प्रजातियां हैं इन सब में हमने बहुत सारे रूपों के बारे में सुना है लेकिन शोभा आसी कहीं सुनिए ही नहीं, लेकिन ऐसा सौंदर्य ऐसा रूप आज तक हमने कभी नहीं सुना किसी का। विष्णु चारी भुज विधि मुख चारी विकट बेश मुख पंच पुरारी। हमने विष्णु भगवान के बारे में भी सुना है जो चार भुजा वाले हैं, चार मुख वाले ब्रह्मा जी के बारे में सुना है, भगवान शिव के बारे में भी सुना है पंचमुखी शिव, उनका सौंदर्य भी सुना है। अपर देव सको नयाहि
यह छवि सखी पटतरिय जाही। अपर देव असको नाही। देवताओं में भी भगवान शिव विष्णु सब देवताओं में भी अगर देखा जाए, सबके रूप के बारे में सुना है, लेकिन ऐसी रूप की ऐसी उपमा हमने आज तक नहीं सुनी। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। थोड़ा साउंड कम कर दीजिए। कहूँ सखियस को तनुधारी जो नमो है रूप निहारी कुश प्रेम बोली मुद्वानी जो मैं सुना सो सुनहुँ सयानी। हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है? थोड़ा ज़्यादा कम हो गया। हे सखी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम छोड़ दीजिए, हरे राम 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 हरे हरे। हे सखी भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। कौसा प्रेम बोली मृदु बानी जो मैं सुना सो सुनहुँ सयानी हे दौ दशरथ के ढोटा बाल मरालनि के कल जोटा मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन्हर नय जीर निशाचर मारे। दूसरी सखी बोलती है, अरे सयानी तुमको पता नहीं है ये कौन है, हैं तुमको नहीं पता, सुनो मैंने जो सुना है, हैं ये दो दशरथ के ढोटा, दशरथ के पुत्र हैं राजकुमार, हैं देखो बाल हंसों जैसा सुंदर जोड़ा है दोनों का, हैं इनके बारे में मैंने जो सुना है, हैं सुनना चाहती हो? बोले हाँ बताओ। मुनि कौशिक मख के रखवारे, हैं विश्वामित्र मुनि के यज्ञ के रखवाले हैं ये, और इतनी कम उम्र में ही इन्होंने युद्ध क्षेत्र में बड़े बड़े अजय राक्षसों का वध कर दिया है। हाँ अजय राक्षसों का वध कर दिया है। रूप तो सुंदर है ही, बल में भी कम नहीं है ये दोनों। श्याम गात फल कंज बिलोचन जो मारी चुभुज मधुमोचन कौशल्या सुत सो सुख खानी नाम राम धन सायक पानी गौर किशोर बेसुबर काछे करसर चाप राम के पाछे लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुनु सखितासु सुमित्रा माता। ये जो श्याम गात है ना, श्याम वाले जिनका नेत्र कमल के समान और अंग की कांति श्याम है। अच्छा अच्छा हाँ ये श्यामला, हाँ इसने मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाला है और सारे सुखों की खान है ये। जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए है वे कौशल्या जी के पुत्र हैं, इनका नाम राम है, और जिनका रंग गोरा
और किशोर अवस्था है, देख रही हो? हाँ 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 बताओ। ले वो देखो, वो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष मार लिए, जो पीछे पीछे चल रहे हैं वो इनके छोटे भाई हैं। अच्छा हाँ, इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। विप्र काज करी बंधु दौ मग मुनि बधु भा, आए देखन चाप मख सुनी हरसी सबना, देखि राम छवि को एक कहई जोगु जान कही यह बरुआ, जौ सखी इनाही देख नर नारी पनि परिहरी हठि करई बिबाहू। ये दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। सारा न्यूज एडवांस पहुँच चुका है। ये सुनकर सब स्त्रियाँ बड़ी प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी की योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा तोड़ देंगे और हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। को कहे भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन माने, सखी परंतु पनुराउन तजई विधि बस हठिया विवेक ही भजई। दूसरी सखी कह रही है, राजानी ने पहचान लिया है। हाँ, हमको खबर आया है कि राजा गए थे, है ना, और उन्होंने इनको देखा भी है और देखकर पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, हमने सुना है कि राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता, वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। क्या कर सकते हैं, बुद्धि मारी गई है राजा की। प्रण पर अरे रहने की मूर्खता नहीं छोड़ रहा है। बहुत गलत बात है ये। को कह जाओ भल अहई विधाता, थोड़ा जोर से बजाओ, कल जैसे बजा रहे थे। को कह जाओ भल अहई विधाता सब कह सुनिया उचित फलदाता, तो जान की ही मिली बरुए हु नाहिल आली हाँ संदे हु। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और अगर ऐसा जैसा कि हमने विधाता के बारे में सुना है, हैं कि विधाता बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं और सबको पॉजिटिव फल देते हैं, है ना, पॉजिटिव उचित फल देते हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है कि जानकी को यही वर मिलेगा। अगर विधाता का मूड खराब नहीं हुआ तो, जैसा उनका नेचुरल मूड है अगर वैसे रहेगा तो मुझे पक्का विश्वास है कि यही वर मिलेगा जानकी जी को। हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जौ विधि बस यस बनई सुजोगु तौ कृत कृत्य होई सब लोगु, सखी हमारे आरती अति ताते कबहुं कहे आ वही एही नाते,
नाही तो हम कहूँ सुनहूँ सखी इन्हा कर दर्शन दूर। यह संघट तब होई जब पुण्य पराकृत भू। जो दैव योग से ऐसा संजोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। दूसरी सखी बोल रहे हैं तुम्हारे मुंह में घी सककर, अगर ऐसा हो जाए विधाता के दिमाग में आ जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा। हमारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। हे सखी मेरे तो हैं, मेरे तो मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ ये सोच के ही कि अगर ऐसा हो गया तो कम से कम रिलेशन के बहाने बार बार आएंगे यहाँ। बार बार आएंगे तो बार बार देखने का मौका मिलेगा हैं, रिलेशन बन जाएगा तो, इसलिए ये सोच के खुश हो रही हूँ मैं कि दोबारा भी आएंगे फिर एक बार, और विवाह हो गया है। लेकिन सखी डर भी लग रहा है कि अगर गलती से अगर नहीं हुआ विवाह तो फिर तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, किनके दर्शन दुर्लभ है, दोबारा थोड़े फिर दर्शन होंगे। यह तो तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य अर्जित हो जाएं, तभी यह विवाह हो पाएगा। बोली अपर का हे हूँ सखिनी का यही बियाह अति ही तब ही का कौ कह शंकर चाप कठोरा ये श्यामल मृत्यु गात किशोरा। आज थोड़ा ज्यादा फास्ट भाग रहे हैं। सब असमंजस अहि सयानी यह सुनिय पर कहई मृदु बानी सखी इन्ह कहाँ को कौस कही बढ़ प्रभाव दे खत लघुआही। हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा है कि शंकर जी का धनुष बहुत कठोर है और ये सांवले राजकुमार तो बड़े कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी देखने में छोटे हैं लेकिन जैसा सुन रखा है इनका पावर के बारे में, बल के बारे में प्रभाव जो सुना है उसमें थोड़ा होप लग रहा है। पूरा मतलब पूरा होपलेस सिचुएशन नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। परसी जा सुपद पंकज धूरी तरी अहिल्या कृताय घूरी सोकी रही बिनु शिव धनु तोरे यह प्रतीति परिहरिय न भोरे जे ही बिरंची रचिसीय सवारी तेही श्यामल बर रुचेऊ बिचारी तासु बचन सुनि सब हर सानी ऐसे होई कहि मृदु बानी। जिनके चरण कमलों की धूली का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो।
हिय हर सही बर सही सुमना सुमुखी सुलोचनी वृंद जाहि जहां जह बंधु दऊ तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरा पूरब दिशी गए दो भाई जह धनु मख हित भूमि बनाई अति विस्तार चारु गच डारी विमल बेदी कारु चिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर चले गए और वहां पर धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। धनुष यज्ञ बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। मंच वेदी बनाया गया था, फर्श था, फर्श के ऊपर वेदी और वेदी के ऊपर धनुष। वेदी मतलब चबूतरा, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को हिंदी में वेदी बोलते हैं। और साइड में रंग भूमि का वर्णन आ रहा है। साइड में राजाओं के बैठने के लिए आसन लगे हुए थे। तो चारों ओर से मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित हो रहा था। राजाओं के बैठने का उसके ऊपर पीछे से चारों ओर से मंडलाकार मचान सुशोभित था। वहाँ कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे। तो बीच में वेदी, फिर साइड में राजाओं के बैठने का, उसके ऊपर थोड़ा हाइट पर पवेलियन। उस पवेलियन में कौन बैठेगा? पब्लिक, पब्लिक आगे बैठेगी। स्टेडियम में जैसे होता है ना, वीआईपी के बैठने के सामने रहता है और उसके बाद पीछे जो छोटे छोटे चेयर्स होते हैं उसमें पब्लिक बैठती है। तो इट वॉज लाइक स्टेडियम, है ना, रंगभूमि आजकल उसको स्टेडियम बोलते हैं। और उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। मकान भी थे स्टेडियम के बगल में, क्या थे, सुंदर सफ़ेद रंग के मकान बने हुए थे। जहाँ अब उस मकान में अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। पवेलियन उनके लिए भी था, स्त्रियों के लिए भी विशेष एरिया बनाया गया था जहाँ से बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कह कर आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। तो कौन दिखाएगा उनको? सारा बालकों को पता रहता है कहाँ पे क्या प्रोग्राम होने वाला है, सारा सूचना रेडी रहता है उनके पास। तो साथ में कुछ जनकपुर के बालक पकड़ लिए थे रास्ते से, तो बालक दिखा रहे थे यहाँ पे ऐसे देखिए ऐसे व्यवस्था हो रहा है, ऐसे होगा यहाँ पे ऐसे, है ना, तो उनको बता रहे। सब शिशु यही मिसि प्रेम बस परसी मनोहर गात। बच्चे बार बार हाथ पकड़ पकड़ के इधर आइए इधर आइए, हाथ पकड़ इधर देखिए यहाँ देखिए यहाँ पे ये होगा हैं, धोती पकड़ के खींचते हैं इधर आइए अब इधर देखिए
करें तुलसीदास जी की, सब बालक इस बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। तन पुल कहीं अति हर सुहिया, देखी देखी दो भ्रात। शरीर स्पर्श करते हैं और शरीर पुलकित हो जाता है, हृदय हर्षित हो जाता है। बार बार दोनों भाइयों का निहार रहे हैं बच्चे। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। तो बच्चों का वर्णन चल रहा है। तो बालकों के द्वारा जो दर्शन कराया गया तो बड़ा भगवान उनको देख रहे थे बालकों के, देखो कितना उत्साह है इनमें, उत्साह में घुमा घुमा के अलग अलग जगह ले जाकर दिखा रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उनकी थोड़ी अप्रिसिएट किया है ना, तुमको सब पता है तुम लोगों को है। हाँ सब पता है, इधर आइए अभी, यहाँ पे और भी है हैं, तो प्रशंसा करो, तुम लोगों को तो बहुत कुछ पता है। हाँ पता है, इससे बालकों का उत्साह और आनंद और प्रेम और बढ़ गया, जब प्रशंसा अप्रिसिएशन कर रहे थे ना, बहुत कुछ पता है आप लोगों को। हाँ इधर ही रहते हैं हम लोग। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, कई सारे बालक हैं, कोई बोलते इधर आइए है? हैं, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखावहीं अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनु शासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लौ निमेष हैं पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दिनों पर दयाल करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुषशाला को चकित होकर आश्चर्य से देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले, देर हुई जानकर उनके मन में डर भी है, लेट हो गया, देखने में कुछ ज़्यादा टाइम, जितना अलॉटेड था उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिए, तो अब वापस जा रहे हैं, थोड़ा मन में क्या है डर भी है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं कि भजन करने से आप इतने प्रभावशाली हो सकते हैं कि भगवान जिनसे भय भी डरता है वो आपसे डरेंगे। विश्वामित्र जी के भजन का प्रभाव, हम लोग कोरोना से डर रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। बालक जा नहीं रहे थे, पकड़े जाओ अभी इधर आइए और दिखाएंगे, उनको भी आनंद आ रहा था, लेकिन अब लेट हो रहा था तो जल्दी है ना, बड़े कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को बरियाई मतलब जबरदस्ती भेज दिया, जबरदस्ती विदा किया। सभय स प्रेम विनीतयति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आय सुपाई। फिर भय प्रेम विनय
और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। चार चीज़ें बताई गई है, किसका क्या है, ये कैमरा घूम रहा है, कोई कुकिंग करते हुए सुन रहा है किचन में। ठीक है छोड़ दो प्रभु, कोई माता जी है कुकिंग करते हुए किचन में ही सुन रही हैं। तो चार चीज़ें बताई गई हैं ना, गुरु के प्रति कैसे कैसा भाव होना चाहिए, उसमें चार बातें बताई बता रहे हैं यहाँ पे। कहते भय सभय सप्रेम विनीत यक्ति सकुच सहित दो भाई है? क्या है सभय सभय सप्रेम और विनीत और संकोच, चार चीज सब है, मतलब भय होना चाहिए गुरु के पास जाकर, थोड़ा भय होना चाहिए हैं। कैसे कैसे क्यों, जैसे आग है, आग के पास जाएंगे तो थोड़ा भय तो रहना चाहिए ना, है कि नहीं। साथ साथ प्रेम, भय भी होना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए, प्रेम। तो ये दोनों कैसे होगा, भय भी और प्रेम भी, इसे कहते बैलेंस। क्या भय और प्रेम और तीसरा विनीत और संकोच, चार चीज। यानी कि प्रेम का मतलब ये नहीं कि प्रेम हो गया तो अब वैल्यू ही खत्म, कुछ भी बक बक बोल रहे हैं है ना गुरु के सामने जाके, है तो प्रेम है हृदय में लेकिन साथ में बाहर से सावधान भी है, व्यवहार में सावधानी होनी चाहिए, हृदय में प्रेम व्यवहार में सावधानी है। तो वहाँ पर गए दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, अब रात्रि हो गया, तब सब ने संध्या वंदन किया, फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। कितनी पहर, दोपहर मतलब कितना, 12 बजे गया, उसके बाद क्लास भी हुआ है ना, संध्या वंदन के बाद कथा इवनिंग सेशन। तो प्राचीन कथा और इतिहास रोज सुनते थे, विश्वामित्र जी दोनों को सुनाते थे। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया, दोपहर रात बीतने के बाद फिर गए सोने के लिए। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे 12 बजे रात में। मुनि बर शयन किन्ही तब जाई लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह माही लागी करत विविध जप जोग विरागी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके चरणों के दर्शन प्राप्त करने के लिए जोगी लोग नाना प्रकार के जप तप और योग करते हैं, वैराग्य लेते हैं, हैं इनके चरण के दर्शन और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए योगी लोग क्या करते हैं, जप तप ध्यान वैराग्य, वही प्रभु आज क्या कर रहे हैं, विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे। कितना बड़ा सौभाग्य है, भक्ति का, भक्ति का महत्व बताया जा रहा है, भक्ति का महत्व कि भक्ति के बल पे भक्ति की महिमा कितनी है। तेई दो बंधु
प्रेम जन जीते गुर पद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनिया गया दिन्ही रघुबर जाई सयन तब कीन्ही। वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए हैं, प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं, भगवान चरण दबा रहे हैं। देखिए जिनके चरणों को लक्ष्मी देवी हमेशा दबाती हैं वो भगवान किसके चरण दबा रहे हैं, विश्वामित्र जी के। प्रेम से विश्वामित्र जी ने जीत लिया है। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, बार बार कहते हैं अब हो गया जाओ, आप लोग जाइए, आप लोग विश्राम कीजिए, हो गया। बार बार बोले, एक बार नहीं है? बार बार जा नहीं रहे, फिर बार बार कहने पर, एक बार कहने पर नहीं गए, बार बार बोल रहे हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने जाके शयन किया। चापत चरण लखनूर लाए सभय स प्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु ताता पौड़े धरी उर पद जल जाता। अब श्री राम जी सो गए और चरणों को हृदय से लगाकर, श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी श्री राम जी के चरण दबाने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा हे तात अब सो जाओ। तब बहुत बार कहने के बाद उन चरण कमलों को हृदय में ही पकड़कर सो गए। लक्ष्मण जी कैसे सो गए, हृदय में धारण करके वही छोड़े नहीं। उठे लखनु निसि विगत सुनी अरुण शिखा धुनी कान। गुरते पहिले ही जगतपति जागे राम सुजान। रात बीत गई और अरुण मुर्गी के शब्द कानों में सुनाई पड़ा। सबसे पहले कौन उठे, लक्ष्मण जी। सबसे लेट में कौन से है, लक्ष्मण जी। सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, फिर जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने के लिए पुष्प वाटिका में जा रहे हैं। कहाँ, पुष्प वाटिका। भूप बागुबर देखे उजाई जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। तो पहुंच गए पुष्प वाटिका में, बसंत ऋतु था और राजा का सुंदर बगीचा देखा। लागे बीटप मनोहर नाना बरन बरन बर बेली बिताना। बड़े सुंदर वृक्ष, फूलों के वृक्ष लगे हुए थे उस बगीचे में और उन चुनने लगे, बेस्ट क्वालिटी के फ्लावर्स चुनने लगे उस गार्डन से। नव पलव फल सुमन सुहाए
निज संपत्ति सुररुखल जाए। चातक को किल कीर चकोरा कुजत बिहग नटत कल मोरा। बगीचे का वर्णन है पुष्प वाटिका। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल वृक्ष को भी लजा रहे हैं। आप पुष्प वाटिका के शोभा का मन में ध्यान कीजिए। पल्लव पुष्प और फल से लदे हुए ऐसे वृक्ष हैं जो कल्प वृक्ष भी उनको देखकर शर्मा जाए। और उस वाटिका में नाना प्रकार के पक्षी वहाँ पर विहार कर रहे हैं। पपी है, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर भी सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सरु सो हसुहावा मनीषो पान विचित्र बनावा। उस बगीचे में एक सुंदर तालाब भी है, सरोवर। उस वाटिका में एक सरोवर भी है और सरोवर की जो घाट है वो मणियों से बने हुए हैं। विमल सलीलु सरसी जबहुरंगा जल खग कुजत गुंजत भृंगा बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम जहू जो राम ही सुख देत। क्या बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, भगवान ने बगीचे को भी देखा, सरोवर को देखा और जब देखकर भाई के साथ बड़े प्रसन्न हो गए। बोले बड़ा आराम करने योग्य स्थान है, परम रमणीय स्थान है। चहु दिशि चितई पूछी मालीगन लगे ले न दल फूल मुदित मन तेहि अवसर सीता तह आई गिरिजा पूजन जननी पठाई संग सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर बानी सर समीप गिरिजा गृह सोहा बरनी न जाई देखी मनमोहा। चारों तरफ दृष्टि डालकर वहाँ पे जो माली थे बगीचे में उन मालियों से पूछ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और इधर उधर दृष्टि डाल रहे हैं। और पत्र और पुष्प तोड़ने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई पुष्प वाटिका में। किस लिए? माता जी ने उन्हें गिरिजा की पार्वती जी की पूजा के लिए भेजा था। तो सरोवर के किनारे एक मंदिर भी था सुंदर। किसका मंदिर? गिरिजा घर, मतलब पार्वती मंदिर। पार्वती जी का मंदिर था। तो उस पार्वती जी के मंदिर में सीता जी क्यों आई थी? हैं, पूजा करने आई थी मंदिर में, माँ ने भेजा था।
संग सखी सब सुभग सयानी गावही गीत मनोहर बानी सर समीप गिरिजा गृह सोहा बरनी न जाई देखी मनु मोहा। साथ में सुंदर सब सुंदरी सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। क्या कर रही हैं? गीत गा रही हैं। कल्पना कीजिए, ध्यान लगाइए, जानकी जी और उनकी सयानी सखियां और क्या कर रही हैं? गीत गा रही हैं। कौन से गीत? पूजा के गीत कुछ गीत गा रही होंगी, और कौन से गीत है? और सरोवर के पास ही गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित होता है। मजन करी सर सखी न समेता गई मुदित मन गौरी निकेता पूजा की न अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान किया सीता जी ने, और स्नान करके प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई और उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। पार्वती जी ने कहा कि बगल में ही है, अभी दिखा देती हूँ, पूजा का फल तुरंत देती हूँ, ट्रेलर दिखाती हूँ अभी। एक सखी सिया संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई तेही दो बंदी बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पहियाई तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलूने कहु कारणु निज हर सकर पूछहि सब मृद बैन। तो जितनी सखियां थी उन सखियों में एक सखी उसके मन में पता नहीं क्या आया, वो सबके झुंड से निकलकर पुष्प वाटिका में घूमने चली गई, सबको छोड़कर पुष्प वाटिका में चली गई। और जब वहाँ पर जाकर उसने क्या देखा, दोनों भाइयों को देखा और देखते ही प्रेम में विह्वल होकर भागती हुई आई सीता जी के पास। सखियों ने जब उसकी दशा देखी, क्या था, शरीर पुलकित हो रहा था, पुलक गात जलुनयन, शरीर जो है पुलकित हो रहा था और आंखों से प्रेम अश्रु बह रहे थे। कछु कारणु निज हर्ष कर पूछ ही सब मृदुवन, बड़े मधुर मृदु वचनों से सब पूछ रही है, अरे क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रही है, क्या हो गया तुमको, क्या कारण है, कुछ बताओ तो। देखन बाग कुंवर दुई आए बय किशोर सब भांति सुहाए श्याम गौर किमि कहूं बखानी गिरा नयन नयन बिनुवानी सुनि हरसी सब सखी सयानी सी यही अयति उत्कंठा जानी। क्या कहती है? उसने कहा, दो राजकुमार
बगीचा देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। सांवले और गोरे रंग के हैं, उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं। बिना वाणी नेत्र की है और नेत्र की वाणी नहीं है। वाणी के नेत्र नहीं है और नेत्र के वाणी नहीं है, कैसे बताओ? आंख कितनी खुश है वो शब्द उसके पास नहीं है कि बता सके। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सीता जी ने भी सुना, सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहती है, एक कहई नृप सुत तेयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। एक सखी कहती है, सखी मुझे समझ में आ गया। अच्छा, क्या समझ में आ गया तुम? हाँ, कल सुना था मैंने, ये मुझे लग रहा है वही वही उसी को देख के आई है। किसको? वही राजकुमार जो दो आए राजकुमार मुनि के साथ आए हैं विश्वामित्र मुनि, उन्हीं के बारे में चर्चा चल रही है पूरे शहर में। क्या क्या चर्चा चल रही है? कल ही तो आए हैं मुनि के संग, दो राजकुमार आए हैं उसी के बारे में बोल रही है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ मैं? जिन्हा निज रूप मोहनी डारी, किन्हे सबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवश्य देखी यही देखन जोगु। तासु बचन अतिश यही सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखहुन कोई। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशी, जनु शिशु मृग सभी। कहती है, अरे जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के सारे स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, कल से जहां तहां सब लोग उन्हीं के छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य चलो 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 चलकर देखना चाहिए, हैं देखने के ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र कुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली, पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। नारद जी के वचन, कौन से वचन? नारद जी के कौन से वचन? नारद जी पहले आते थे महाराज जनक के दरबार में, तो भगवान राम लक्ष्मण के कथा सुनाते होंगे, उनका रूप का वर्णन किया होगा, तो वो सब याद आ रहा है, पुरानी प्रीति। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मंदन दुंदु भी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। अब देखिए,
आवाज़ सुनाई देने लगी। इधर से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों फूल बीन रहे हैं, तभी आवाज़ आ रही है कंगन की, हाथों में कंगन चूड़ियों की आवाज़ आ रही है। करघनी और पाजेब पाजेब चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। भगवान राम के कानों में प्रविष्ट करता है आवाज़। अब क्या कहते हैं लक्ष्मण जी से कहते हैं, हैं? यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। भगवान राम लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, आवाज सुन रहे हो लक्ष्मण, ऐसा लग रहा है कि मानो कामदेव ने आज संकल्प कर लिया कि विश्व को जीतना है, इसलिए डंके पर चोट मारकर मार रहा है। अस कही फीरी चितए देहियो रा सिय मुख ससी भय नयन चकोरा भय बिलोचन चारु चंचल मुनहु सकुचि निमित जे दिगंचल देखी सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत वचनु नावा जनु बिरंची सब निज निपुनाई बिरचि विश्व कह प्रगति देखाई सुंदरता कहूँ सुंदर करई छवि गृह दीप सिखा जनु बरई सब उपमा कबीर हे जुठारी केही पट तरऊ विदेह कुमारी सिय शोभा हिय बरानी प्रभु आपनी दशा विचार बोले सुचि मन अनुजसन बचन समय अनुहार। लक्ष्मण जी से ऐसा कहकर कि मानो कामदेव संसार को जीतने के लिए आ रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा कहकर श्री राम जी ने जिधर से आवाज आ रही थी उधर से उधर अपना सिर घुमाया, पीछे मुड़कर देखे, और जैसे ही पीछे मुड़े तो श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल चारु अचंचल चकोर बन गए नेत्र सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। सीता जी का मुख कमल चंद्रमा बन गया और उस चंद्रमा को देखने के लिए श्री रामचंद्र जी का नयन चकोर बन गया, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए मानो निमि महाराज निमि ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, किसको महाराज निमि का, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं इस भाव से सकुचा कर पलके छोड़कर भाग गए। कौन निमि इसलिए पलक जो है वो हिल नहीं रहा है ना इसलिए पलकों का गिरना रुक चुका है।
देखी सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचनु नयावा जनु बिरंची सब निज निपुनाई बिरचि विश्व कह प्रगति देखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना कर रहे हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। कैसी अनुपम शोभा है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाली। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी सीता जी को किससे उपमा दूं। कहते हैं कि सुंदरता को भी सुंदरता देने वाली है, सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो, मतलब और निखार आ गया सुंदरता में, पहले सुंदरता थी है? लेकिन जब दीपक जल गया तो क्या होगा, पहले से घर है लेकिन अंधेरा है, तो जैसे दीपक जलता है तो लाइट जलाते तो क्या होता है, लगता है निखार आ गया, उसी तरह से सुंदरता में और निखार आ गया। सिय शोभा हिय बरनी प्रभु आपनी दशा विचारी बोले सुचि मन अनुजसन वचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में श्री सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले, और लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं, तात जनक तनयाय सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश फिरत फुलवाई जासु बिलोकी अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा सो सब कारण जान विधाता फर कही सुभद अंग सुन भ्राता। हे तात, ये वही जनक जी की कन्या है, इसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है, सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं, यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई घूम रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन भी क्षुब्ध हो गया है, लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं भगवान, इनकी सुंदरता को देखकर मेरा मन जो कि पवित्र है वो भी क्या हो गया है, क्षुब्ध हो गया है। अब क्यों क्षुब्ध हुआ इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है, इसका कारण तो विधाता ही जाने है? क्या कारण है विधाता ही जाने। भगवान राम बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी पूछे क्यों, क्या कारण है, क्यों क्षुब्ध हो गया, कारण तो विधाता ही जाने, मेरा मन तो क्षुब्ध होता नहीं। किंतु हे भाई सुनो, मेरे दायां अंग फड़क रहा है, दाहिना अंग फड़क रहा है,
रघुवंशी न कर सहज सुभाउ मनुक पंथु पग धरई न काउ मोहि अतिशय प्रतीति सन केरी जेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी। दाहिना अंग फड़क रहा है, ये क्या हो रहा है? रघुवंशियों का सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। भगवान श्री राम जी कहते कि जागृत तो क्या कहा जाए, स्वप्न में भी आज तक कभी मेरे मन ने पराई स्त्री पर नजर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लहिना रिपुरन पीठी नहीं पावही पर तिया मन डीठी मंगल लहिना जिनके नाही ते नर बर थोरे जग माही। कहते कि रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती हैं, और भिखारी जिनके यहाँ से वापस नहीं लौटते खाली हाथ, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत कम लोग हैं। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष बहुत कम हैं। कौन से? जो रण में पीठ नहीं दिखाते, पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींचती, और भिखारी जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता, ऐसे पुण्यात्मा श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत कम है। करत बत कही अनुजसना मनसिय रूप लोभान मुख सरोज मकरंद छवि करही मधुपाईव पान। इस प्रकार से श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है मन। चितवती चकित चहु दिस सीता कहाँ गए नृप किशोर मनुचिता जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी लता ओट तब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए देखि रूप लोचन ललचाने हरसे जनु निधि निधि पहचाने। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं, मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमार को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे, वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी थके नयन रघुपति छवि देखे पलक निहूं परिहरी में से अधिक स्नेह देह भय भोरी स
शरद शशि जनु चितव चकोरी लोचन मग राम ही उरानी दीने पलक कपाट सयानी जब सिय सखी न प्रेम बस जानी कही न सकही कछु मन सकुचानी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु की चंद्रमा की चकोरी बेसुध होकर देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लगाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ बंद कर दिए। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह न सकती। उसी समय दोनों भाई कुंज में से प्रकट हो गए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की जैसी है। सिर पर मुकुट सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान है, सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। ये भी यूनिक पॉइंट है। और बीच बीच फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं सिर में। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौं है और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान लाल नेत्र हैं, ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्षस्थल पर रमणियों की मणियों की माला है, शंख के सदरी सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, और सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह किसी पतली कचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। आंख तो बंद कर ली थी ना देखकर, एक बार देखकर। तो एक सखी बोलती है कि सीता गिरिजा जी का ध्यान कर रही हो क्या, बाद में कर लेना, अभी तो इनके दर्शन करो। नक्श से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत दुखी हो गया। शोभा देखी तो, लेकिन पिता का प्रण याद हो आ गया। अरे धनुष उठाना है इतना भारी, कैसे उठाएंगे, ये तो कोमल सुकुमार हैं। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने ली, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई, है ना। एक सखी कहती कि अभी कल फिर आ जाना, देर हो गया, चलो देर हो गई जान। उन्हें माता का भय लगा, बहुत धीरज धर के वे श्री रामचंद्र जी के हृदय में ले आई। श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में ले आई और उनका ध्यान करते हुए अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली।
देख न मिसा मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीतन थो। बार बार मुड़कर पीछे देख रही हैं, जा रही हैं आगे लेकिन बार बार पीछे मुड़कर घूम जाती हैं और देख रही हैं है? और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं हो रहा है बल्कि और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जानी कठिन शिव चाप विसूरती चली राखी उर श्यामल मूरती प्रभु जब जात जान की जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप कर रही हैं और हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण का स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप कर रही हैं, रोने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ है। प्रेम के कारण क्या हुआ? ऐश्वर्य की विस्मृति हो गई है। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। फिर याद आ गया, अरे ये तो बहुत बलशाली हैं, इनका बारे में सुन रखा है। प्रसन्न हो गए। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई देखा तो क्या बोले, क्या किए? परम प्रेमय मृदु मसिकिनी चारु चित भीति लिखिलिनी गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी जय जय गिरीवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गजबदन पड़ानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। स्याही क्या था और पेपर चित्त, चित्त में प्रेम की स्याही से क्या किया, पेंट कर लिया उस रूप को श्री रामचंद्र जी के। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल के पुत्री पार्वती आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और छह मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। नहीं तव यादि मध्यवसाना अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी सब सबिहारिणी पति देवता सुतिय मही भातु प्रथम तवरे महिमा अमितन सकही कही सहस सारदा से।
आपका न आदि है न मध्य है न अंत है, आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। करेंगे संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी बरदायनी पुरारी पियारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे मोर मनोरथ जानहुनी के बसहुँ सदा उरपुर सब ही के किन्हेहुँ प्रगटन कारण देही अस कही चरण गहे बैदेही। हे भक्तों को के मुँह मांगा बर देने वाली हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी आपकी सेवा करने से चालो फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया है, ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल सूरति मुस्कानी सादर सिया प्रसादु सिर धरेऊ बोली गौरी हर सुहिय भरेऊ सुनु सिय सत्य अशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी नारद बचन सदा सुचि साचा सोबरु मिली ही जाही मनु राजा। गिरजा जी हैं सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला टूटकर नीचे गिर पड़ी और मूर्ति मुस्कुराने लगी। सीता जी ने आदर पूर्वक उस माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोलने लगी, हे सीता हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है, नारद जी पहले बता चुके थे। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा, वो भी इशारे में ही बताई। और ये बता रही हैं कि जिसे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनुजा हीरा चेऊ मिली ही सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जान तरावरो एही भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हिय हर सिय तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि उदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा।
वह दया का खजाना है, सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सियही हर सुना जाई कही, मंजुल मंगल बामंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियल नाई गुरु समीप गवने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाई सरल सुभाव छुअत छल नाही, सुमन पाई मुनि पूजा कीनी पुनिय शीष दुहू भाई निदिनी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भये सुखारे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया। रिवीलिंग द हार्ट इन कॉन्फिडेंस, सब बताया, ऐसा ऐसा घटना हुआ है, मेरा मन लग गया है, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, भगवान श्री राम का स्वभाव सरल है, इसलिए सब बता दिया जाकर, छल तो उन्हें छूता भी नहीं है, वेरी इम्पोर्टेंट, छल नहीं, भगवान कहते हैं ना कि मोही कपट छल छिद्र न भाव। सब जाकर बताया है, बहुत इम्पोर्टेंट लेसन, आचरण मर्यादा पुरुषोत्तम आचरण से शिक्षा दे रहे हैं, है ना। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल होंगे। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्या जैसे ही थोड़ा टाइम मिलता है तो क्या होता है, कथा शुरू हो जाती है ना, ये बार बार ये बात आ रही है ना, ये सब दिस इज द लेसन। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो जैसे ही थोड़ा टाइम मिलता है तो क्या करना चाहिए, कथा शुरू कर देना चाहिए। और वेद व्यास जी और वाल्मीकि जी और सारे ऋषियों ने इतनी सारी कथाएं लिखी हैं, इसीलिए तो लिखा है लॉकडाउन के टाइम के लिए। पहले लॉकडाउन 4 महीने का होता था, चतुर्मास जिसको बोलते थे, एवरी ईयर 4 मंथ लॉकडाउन, जानते हैं आप, बारिश का सीजन में लॉकडाउन। प्राची दिशी शशि अव्ययु सुहावा सिय मुख सरीस देखी सुख पावा, बहुरी विचारो किन्ही मन माई सिय बदन समहिम करनाई, जन्म सिंधु पुनि बंधु विशु दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंदु बापुरोरं। तो इस प्रकार से कथाएं सुनते सुनते
मतलब केवल शाम में ही कथा नहीं होती, रात दिन में भी कथा, मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद फिर कथा। इस पर दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ, श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। चंद्रमा को देखे तो सीता जी का स्मरण हो रहा है। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। चंद्रमा को देखने के बाद कंपेयर कर रहे हैं तो क्या बोले, सीता जी के मुख के समान नहीं है। फिर कहते हैं कि खारे समुद्र में तो इसका जन्म हुआ है। नंबर वन डिफेक्ट क्या है, क्या सुंदर होगा ये, कि पहला डिफेक्ट क्या है कि जिस समुद्र से इसका जन्म हुआ उस समुद्र खारा था। फिर दूसरा डिफेक्ट क्या है, उसी समुद्र से उत्पन्न हुए कारण बीस इसका भाई है। किसका भाई बीस है, चंद्रमा का। और तीसरा डिफेक्ट क्या है, दिन में यह मलिन रहता है, रात में ही चमकता है। और चौथा, कलंकी काले दाग से युक्त है। चार डिफेक्ट है इसलिए, इसलिए बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुंह की बराबरी कैसे पा सकता है बेचारा। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। घटई बढ़ई बीरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही, वैदेही मुख पट तर दीन है, होई दो सुबड़ अनुचित कीन है, सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बढ़ी जानी। तो चार डिफेक्ट हो गया, अब पांचवा सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। पांचवा डिफेक्ट, ये घटता बढ़ता रहता है। क्या ये घटता बढ़ता रहता है, कौन, चंद्रमा है। और छठा, ये विरहिणी स्त्रियों के दुख देने वाला है। जो स्त्रियां विरह में हैं, विरह मतलब अपने पति प्रियतम से दूर हैं, उनको क्या करता है चंद्रमा, दुख देता है। और कितना हो गया, छह डिफेक्ट। सातवां सुनिए, और राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। कितना हो गया, सात डिफेक्ट हो गया है? और आठवां डिफेक्ट ये है चंद्रमा का, कि चकवी के वियोग का शोक देने वाला है। और कमल का बैरी है, कमल को मुरझा देता है। जैसे ही उगता है तो कमल क्या होता है, मुरझा दे जाता है। कितना हो गया, नाइन। इसलिए कहते हैं नौ डिफेक्ट चंद्रमा में है। कहते हैं हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म का करने का दोष लगेगा मुझे। अगर तुम्हारे मुख से अगर तुलना करूं सीता जी का तो दोष हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा, है ना, ऑफेंस लग जाएगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। करिमुनि चरण रोज प्रणाम, आय सुपाई किन्ह विश्राम, विगत निशा रघुनायक जागे,
बंधु मिलो की का अनयस लागे उयायु अरुणायवा लोकहुं ताता पंकज ओक लोक सुख दाता बोले लखानु जोरी जुग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदु बानी। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन जिमि तुम्हार आगमन सुनी भये नृपति बलहीन भये नृपति बल। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई। कुमुदिनी रात में उगती है ना, तो जैसे ही अरुणोदय हुआ तो कुमुदिनी क्या हुई, संकुचित हो गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर जब राजा बलि सब राजा बलहीन हो गए हैं, लक्ष्मण जी बोलते हैं, वो बोले कि सुबह हो गया, अरुणोदय हो गया है, तो कहते हैं कि हाँ अरुणोदय हो गया है, लेकिन कुमुदिनी सकुचा गई है, तारागण का प्रकाश फीका पड़ गया है, और उसी तरह से जब से आप आए हैं बाकी राजा लोग फीके हो गए। नृप सब न खतक रही उजियारी तारी न सकही छपतम भारी कमल लोक मधुकर खगनाना हर से सकलनी सायवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला होते ही मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे हूँ प्रभु सब भक्त तुम्हारे होई हई टूटे धनुष सुखारे भानु बीनु श्रमत मनासा दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा रवि निज उदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रतापु सब निपन देखाया तब भुज बल महिमा उदघाती प्रगति धनु विघटन परिपाटी बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने हुई सची सहज पुनीत नहाने नित्य क्रिया करी गुरु
पहियाए चरण सरोजसु भग सिरनाए। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। लक्ष्मण जी बोले, क्या बोल रहे हैं कि आप जैसे ही धनुष तोड़ेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। धनुष यज्ञ देखने आए हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का कुछ और ही प्लान है। कह रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, धनुष टूटेगा बस, जब धनुष टूटेगा ना तो बस सब सुखी हो जाएंगे। सूर्य उदय हुआ है, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए हैं और संसार में तेज का प्रकाश हो गया है। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करके करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्काए, फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्होंने तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। सिया स्वयं बर देखिया जाई, ईशु कही दऊ देई बड़ाई। लखन कहा जसु भजन सोई, नाथ कृपा तव जापर हो। चलकर सीता जी को स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा, इसमें सोचना क्या है। हर से मुनि सब सुनी बरबानी, दिनी आशीष स वही सुखमानी। मुनि मुनि वृंद स मेत कृपाला, देखन चले धनु समखसाला। रंग भूमिया ए दो भाई, अशिशुधि सब पुरवासी न पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाले जुबान जरठ नर नारी। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में पधार गए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर के निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुला कर चल दिए। न्यूज फैल गया, कानों कान न्यूज फैल गया कि आ चुके हैं, मेन आदमी आ चुका है, चीफ गेस्ट। जब सीता जनक जी ने देखा कि घड़ी बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बिठाया। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही है। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति, उन्होंने वैसी ही देखी।
महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के भेष में बैठे थे, कुछ राक्षस भी थे जो राजा के भेष में आकर बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं हरसिया निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत सिंगार धरी मूरति परमानु मूरति परमानु विदुषण प्रभु विराटमय दिशा बहुमुख कर पगलोचन शीशा जनक जाति अब लोक ही कैसे सजन सखे प्रिय लागही जैसे। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए जिसके बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह देख रहे हैं जैसे सगे संबंधी प्रिय लगते हों। तो कौन किस तरह से देख रहा है? जो विद्वान लोग थे ज्ञानी लोग उनको विराट रूप देख रहे हैं, विराट रूप मतलब जिसमें बहुत सारे हाथ पैर मुंह ये सब उनको भगवान नहीं दिख रहे हैं। राम ज्ञानी लोग का ही समस्या है, आप समझे बात को? मायावादी क्या देख रहे होंगे? जनक जी के सजातीय कुटुंबी, जनक जी के जो रिलेटिव्स हैं वो कैसे देख रहे हैं? वैसे देख रहे हैं कितने सालों से हमारे रिलेटिव हैं ऐसे दिख रहा है, बहुत सालों से जानते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं, हमारे बच्चे आ गए ऐसे लग रहा है उनको, वात्सल्य भाव। और उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। जोगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। जो जोगी लोग थे उनको कैसे दिखे? शुद्ध सत्व गुण में एकदम स्थित शांत। हरि भगत न देखे दो भ्राता इष्ट देव इव सब सुख दाता राम ही चितव भाय जेहि सिया सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया उरय अनुभव तीन कही सकसो कवन प्रकार कही कब को एही विधि रहा जाहि जस भावो तेहि तस देखे कुशल राओ राजत राज तमाज महूं कुशल राज किसो सुंदर श्यामल गौरतना विश्व विलोचन जो विश्व विलोचन जो। अब हरि भक्त कैसे देख रहे हैं? हरि भक्त
हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। आनंद सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो वर्णन करने पर भी नहीं कर सकते। उस स्नेह और सुख का भी हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कोसलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कोसलाधीश के राजकुमार राज समाज में इसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे। सहज मनोहर मूर्ति कोटि काम उपमा लघु सो सरस चंदनिंदक मुखनी के नीरज नयन भावते जी के चितवन चारु मार मनोहरनी आवती हृदय जाती नहीं बरनी कलक पुल श्रुति कुंडल लोला जीव का धर सुंदर मृदु बोला कुमुद बंधु कर निंदक हासा भ्रिकुटि विकट मनोहर नासा भाल विशाल तिलक झलकाई कच बिलोकी अलियावलि लगाई। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत सी प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर सुंदर है, कोमल वाणी है, हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौं है टेढ़ी, नासिका मनोहर, चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती है, पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं, शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर तीन रेखाएं हैं जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मलाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। खड़े होने की शान सिंह जैसी है और भुजाएं विशाल एवं बल के भंडार हैं। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं में सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञ उपवीत जनेऊ शोभित हैं। नाक से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक निमेश शून्य हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगता है। सब ने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई न जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस सुंदर ऊंचे मंच पर बिठाया। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। उधर इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी।
यह सोचकर वे कहने लगे, हे भाई ऐसा विचार कर जस प्रताप बल और तेज गंवा कर अपने अपने घर चलो। वे सब लोग लगे अब कोई यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं है, ये सब धनुष यज्ञ पक्का है कि सीता जी जो हैं वो राम के गले में बरमर डालेंगे चाहे धनुष टूटे या ना टूटे। अब चलो चलते हैं, राजा लोग ऐसे सोच रहे हैं। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे ये बात सुनकर बहुत हंसे। कुछ राजा तो ऐसे बोल रहे थे कि अब चलो भाई कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, अब तो पक्का हो गया कि इन्हीं के गले में बरमला डलेगी चाहे है ना चाहे धनुष टूटे या ना टूटे। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे है ना, ये इंटेलिजेंट राजा थे, ये समझने वाले। कुछ राजा बदमाश राजा थे है ना, असुर स्वभाव के, वो क्या सोच रहे, वो हंसने लगे, बोले उन्होंने कहा धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है। अब समझ रहे बात को है, क्या समझे, हाँ मतलब तुम बोल रहे हो कि बिना धनुष तोड़े दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का, अगर ये तोड़ भी देगा धनुष ना तो भी इसे विवाह नहीं होने देंगे, विवाह तो हम ही करेंगे, धनुष कोई भी तोड़े। मतलब इस मूड में भी आए थे लोग। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है, तोड़ने के बाद भी नहीं ब्याह करने देंगे, तोड़ बिना तोड़े तुम बात कर रहे हो है? काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हमसे युद्ध में जीत, उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। काल भी अगर आ जाए तो सीता के लिए उसे भी युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्काए, बोले अच्छा अच्छा देखते हैं अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। उन्होंने कहा राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। धर्मात्मा राजा लोग बोल रहे हैं, रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में जीत ही कौन सकता है, गाल बजाकर व्यर्थ ही में मत बात मत करो, मरो मत, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है क्या। धर्मात्मा राजा मन के लड्डू से ही भूख मिटती है, हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो है, और उन्हें पत्नी रूप में पानी के आशा में लालसा छोड़ दो, और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा, सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं, हैं शिव जी के हृदय में भी यही बसते हैं, तुम लोग शिव जी से वरदान पापा के उछल रहे हो, स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं, इसलिए फायदा उठा लो। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूपी मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो, हैं भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो, हमने तो आज दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया है, तुम लोग तो मरना है मरो, हम तो अपना समझ गए हैं, अब अपना दर्शन कर रहे हैं आराम से, हरे कृष्ण तुमको मरना है तो मरो जाओ, नहीं समझना चाहते मत समझो। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक सीता जी को लेकर आई। सिया शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बी का रूप गुण खानी,
सिया शोभा नहीं जाई बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी उपमा सकल मोहि लघु लागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी सिय बरनियते उपमा देई कुकवि कहाई अजसु कोई लेई जौं पट तरियति समसिया जग असी जुवती कहा कमनिया। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे अलौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक हैं, माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अपराकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बताना है। भौतिक उपमा नहीं दिया जा सकता ना, चिन्मय शरीर सच्चिदानंद। सीता जी के वर्णन में उन्हें उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर ज्योति है ही कहाँ। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें भी सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं और पार्वती अर्धांगिनी है, पार्वती अर्धांगिनी है अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। और कामदेव की स्त्री रति, वो तो पति के बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। लक्ष्मी जी के बराबर उनके भाई कौन है, विष और शराब दोनों साथ में निकले तो भाई ऐसे जिसके ऐसे भाई हो उसकी तुलना कैसे की जा सकती लक्ष्मी जी से। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थे खारे समुद्र से, हैं वो सारा वही सब। यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे, इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उससे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। मतलब लक्ष्मी के से भी तुलना नहीं की जा सकती सीता जी की। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी का महान छवि अतुलनीय है। तब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है, सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लगाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया, सब एक टकी उन्हीं की देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हैं सकुचाते हैं, मन में सोच रहे हैं पर बोलने में सकुचाते हैं, मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र ही हर लीजिए और हमारी ही
ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दे दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें, अपना प्राण छोड़कर। कहीं इनके मूर्खता से मूर्ख राजा डटे हुए हैं अपनी बात पे, हैं हमारी बुद्धि उनको, हमारा आइडिया उनको दे दीजिए, हैं जिससे कि अपना प्राण त्याग कर ऐसे ही विवाह कर दें। क्या तोड़ना है समुद्र, समुद्र क्या तोड़ना है धनुष को, धनुष भी बचा रहेगा, अच्छा रहेगा, संसार उन्हें भला कहेगा। क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है, हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही जनों को बुलाया। वे बिरुदावली गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद नहीं था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी विशाल भुजा उठाकर जनक जी का प्रण सुनाते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनु को देखकर चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत ना हुई। हेलो, दोनों आए थे लेकिन साइड से निकल गए थे। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष को की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वो तो धनुष के पास ही नहीं जाते, ठीक है पास कर देते, उनका भारी आदर, जाइए। हे वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो मुंह नीचे करके लजा के चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जा रहा है। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए हों। राजा जनक बोलते हैं, मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सका। अब कोई वीरता का अभिमानी राज नाराज ना हो, मैंने जान लिया है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं।
यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र नहीं बनता। अगर मतलब पहले से ही पता हो जाता कि ये हाल होगा तो ऐसा प्रतिज्ञा रखता ही नहीं, आज हंसी का पात्र हो गया हूं मैं। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर उनके वचन पर जनक के वचन उन्हें बाण से भी ज्यादा तेज लगे। जब न रह सके तो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर यथार्थ खड़े हो गए और बोलने लगे, रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है, रघुवंशियों में कोई भी जिस स्थान पर होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है, बहुत पुराना हो चुका है, एक तो नया हो तो एक बात भी है, थोड़ा मुश्किल होगा तोड़ने का, इतने सालों से रखा हुआ है, पुराना हो चुका है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए, धनुष को धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन दौड़ा लिए चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ डालूंगा। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस कभी हाथ में टच नहीं करूंगा। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांपने लगे। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी से कुछ आ गए। बच्चा ऐसे बोल रहा है। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार प्रफुल्लित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। राम जी बोले, बैठो बैठो इधर बैठो। विश्वामित्र जी ठीक समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद और वे अपनी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों को समूह का चमकना बंद हो गया। ये उपमा है। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी।
समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भग के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश जी, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। अपना अपना सारा पुण्य कलेक्ट कर रहे हैं लोग, जैसे अभी कोरोना के लिए डोनेशन कलेक्ट किया। तो एक आदमी खड़ा हो बोला, अपना पुण्य दो, सब दोगे अपना अपना पुण्य? हाँ ले लो भाई, मेरा सारा पुण्य ले लो और सारा जुटा के राम जी को दे देते हैं ताकि हम सबका पुण्य उनको मिल जाए और वो धनुष तोड़ डालें। कितनी उत्तम बात है, कितनी उत्तम बात है, प्रेम कितना है ठाकुर जी से। राम ही प्रेम समेत लखी सखी न समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिलखा। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर बिलाप करते हुए से ये वचन बोली, हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी अब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु श्री विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। माँ बोल रही है, ये तो छोटे बालक है, क्या विश्वामित्र जी का दिमाग खराब हो गया है, कोई समझाने वाला भी नहीं है उनको। इतने छोटे बालक इतना बड़ा धनुष उसे तोड़ने के लिए भेज रहे हैं, हैं? अरे जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे दिग्विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना। रानी को हठ जान पड़ा, इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जो कोई समझाता भी नहीं है। रावण और बाणासुर ने रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, सो धनुराज कुंवर कर दे बाल मराल की मंदर ले ही, भूप सयान प सकल सिरानी सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदु बानी तेजवंत लघु गनियन रानी। तो कहती है, हे सखी, हैं रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं क्या? उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। भूप सयानप सकल सिरानी सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदु बानी तेजवंत लघु कनियन रानी। राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ, ये कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोलती है, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा हन होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए,
कहाँ कुंभा जा का सिंधु अपारा सो खेऊ शुभ सुसकल संसारा रवि मंडल दे खत लघु लागा उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मन मुनि अगस्त, अगस्त जी किससे प्रकट हुए? घड़े से। और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया, पी गए थे, सारा समुद्र ही पी गए। नाट्य करके हैं अगस्त जी, लेकिन अपने योग बल से सारा समुद्र पी गए। इसका सूरज सारे संसार में छाया हुआ है, सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। सूर्य कितना छोटा लगता है, इतना देखते हैं हम लोग, लेकिन जैसे उदय होता है सारे लोगों का अंधकार भाग जाता है। कितना अच्छा एग्जाम्पल। मंत्र परम लघु जासुबस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, फिर भी कितना प्रभावशाली होता है, सारे देवी देवता को बस में कर लेता है। महान मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचना सुनी भय परती मीठा विषादु बढ़ी अति प्रीति तब राम ही बिलो की बेही सभय हृदय बिनवत तेही तेही मन ही मना मनाव अकुलानी होहु प्रसन्न महेश भवानी करहुँ सफल आपनी सेवकाई करी तुहरहुँ चाप गरुआई। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के समर्थ के संबंध विश्वास हो गया, उसकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से देवता से विनती कर रही हैं। सीता जी व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष को के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धरी धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरे धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा पितुपनु सुमिरी बहुरी मनु शोभा अहतात दारुण हठठानी समुझत नहीं कछुलाभ नहानि सचिव सभय सिख दे न कोई
बुध समाज बड़ अनुचित होई, कह धन कुली सही चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा, विधि के ही भांति धरौर धीरा, चिर ससुमन कर बेधिय हीरा, सकल सभा के मति में भोरी, अब महु शंभु चाप गति तोरी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सिख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है, कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है? सारी सभा की बुद्धि पागल हो गई है। अतः हे शिव जी, धनुष धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निवेश का एक लौ भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी को की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। इस प्रकार से सीता जी ने मन में भाव आ रहे हैं और कल जो है वो धनुष टूटेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। डिवोटी प्रश्न पूछते हैं कि क्या राम जी ने धनुष तोड़ने से पहले अपने पेरेंट्स की आज्ञा ली थी या विश्वामित्र जी की आज्ञा उनके लिए सफिशिएंट थी? पेरेंट्स की कहाँ से आज्ञा ली? पेरेंट्स तो आए ही नहीं बीच में, प्रश्न ही नहीं उठता। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया बस। एक दूसरा प्रश्न भक्त पूछ रहे हैं कि जैसा कि आपने पहले कथा में बताया था कि महाराजा जनक और दशरथ जी के बीच में घनिष्ठ संबंध थे मित्रता के, तो ऐसे में महाराजा जनक ने राम जी को पहले से स्वयं क्यों नहीं बुलाया था, निमंत्रण क्यों नहीं दिया था स्वयंवर में आने का? वो तो अचानक पहुंचे विश्वामित्र जी के साथ में, उनको विधिवत क्यों नहीं बुलाया गया था पहले? नहीं, राजाओं को निमंत्रण दिया गया था इस स्वयंवर में, राजाओं को। ये तो किशोर बालक थे ना, इनको ये तो नोटिस में भी नहीं थे उस समय, है ना? इनको तो अभी कोई सोच भी नहीं रहा था ना? जस्ट लाइक दैट। ये डिवोटी पूछते हैं कि लक्ष्मण जी जैसी सेवा भावना किस प्रकार सीखते हैं? हम प्रीचिंग के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखते हैं और बहुत सारे संकल्प लेते हैं, लेकिन फैमिली लाइफ जो सामने आती है तो सब क्रैश हो जाता है, तो अपने आप को कैसे ट्रेन करें इसके लिए? ऐसी भावना रखिए, है ना, ये बहुत जरूरी है। और फैमिली लाइफ भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी देखना जरूरी है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए एक बैलेंस बना के ही करना चाहिए, है ना?
वो भी जरूरी है। तो जितना आपसे मैक्सिमम हो पाए प्रयास कीजिए। डिटर्मिनेशन कैसे आएगा? डिटर्मिनेशन आएगा जब घर का माहौल पॉजिटिव होगा, सब लोग भक्ति में जुड़ेंगे। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो पूरे घर के सारे भक्त सदस्यों को भक्ति में अगर सब इंस्पायर रहेंगे तो आपके लिए आसान होगा डिटर्मिनेशन बनाए रखना। फैमिली लाइफ में सबका कोऑपरेशन चाहिए होता है। जैसे अगर कोई रथ है, उसमें अगर चार घोड़े जुते हैं तो एक अगर तेज भी भागना चाहे तो नहीं भाग सकता रथ को लेकर, जब तक बाकी तीनों उसको कॉर्पोरेट सपोर्ट ना करें। उसी तरह से पारिवारिक जीवन में अगर आप तेज़ी से भी करना चाहते हैं और बाकी सदस्य अगर उसी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे तो आपको इस प्रकार से दिक्कत आएगी। तो इसलिए पारिवारिक जीवन में हमारा प्रयास होना चाहिए कि सबको इंस्पिरेशन दिया जाए ना, सारे सदस्य भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरे को इंस्पिरेशन देंगे, तब ये संभव हो सकता है आसानी से। एक व्यक्ति के लिए अकेले थोड़ा कठिन हो जाता है, सारी फैमिली के जितने मेंबर हैं सब अगर फेवरेबल हो तो ये आसान हो जाता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है गृहस्थ जीवन में सबको फेवरेबल बनाना, है ना। और ये प्रैक्टिकल है। बाकी स्पिरिचुअल जितना एसोसिएशन आपका स्ट्रांग रहेगा उतना आपके अंदर डिटर्मिनेशन आएगा, लाइक चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, है ना, साधु संघ।